दैट इज टाइगर हिल। सी यू। पाकिस्तानी लोगों का बंकर्स वगैरह भी दिखाई देता है। Are you all right? चलो जयंत बाबू, चलो मिलते हैं। टाटा टाटा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुजीत एंड यू आर वॉचिंग कोलकाता राइडर सुजीत। तो आप सबका स्वागत है ड्रीम राइड का डे 4 में। तो डे 1 से डे 3 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप जा कर के देख सकते हैं। तो कल का जो टोटल राइड हुआ था 346 किलोमीटर, और मैं रीसेट करना भूल गया अभी, तो आज का मैं रीसेट कर देता हूँ। तो अभी ट्रिप मीटर सेट कर दिया 0, और मैं रुका था ग्रेटर नोएडा में क्योंकि यहाँ से हाईवे एकदम नज़दीक है और मेरे को यहाँ पे कुछ काम भी था। तो आज का जो डेस्टिनेशन मैंने सेट किया है दैट इज़ जालंधर, एंड किलोमीटर शोइंग 404 एंड टोटल आवर्स इज शोइंग इज 7 आवर्स। तो अभी टाइम हो रहा है 7:10। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं माता का नाम लेकर, जय माता दी। और कल जो मैं स्टे किया था, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे किया था, सो थैंक यू सो मच जयंत फॉर वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी। दिस इज ग्रेटर नोएडा में आपका आगमन के लिए धन्यवाद। ऑल राइट, सो ऑफिशियली निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा से, सो आई विल कनेक्ट टू द ताज एक्सप्रेस वे। तो मैं स्टे किया था गौर सिटी बोल करके जगह है ग्रेटर नोएडा में, एंड वहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगा मेरे को ये ताज एक्सप्रेस वे कनेक्ट करने में। तो कल बाइक में मैं कुछ काम भी कराया, लाइक चेन मेरे को थोड़ा सा लूज लग रहा था क्योंकि नया चेन मैंने डलवाया है, इसमें चेन को टाइट करवाया और चेन क्लीन एंड ल्यूब किया, एंड देन बाइक भी बहुत गंदी हो चुकी थी तो बाइक को भी वॉश कराया। सो दर्शन कर लीजिए अक्षरधाम मंदिर का। तो अक्षरधाम का जो मंदिर है बहुत जगह है, तो कोलकाता में भी एक है स्वामीनारायण टेम्पल, दैट इज काइंड ऑफ रेप्लिका ऑफ अक्षरधाम। तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हूँ और मेरे चैनल पे है, तो आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक रहेगा ही। बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टू व्हीलर नॉट अलाउड, इसीलिए आई वॉज बिट कन्फ्यूज, तो मैं कन्फर्म कर रहा था, बट मैं देखा बाकी बाइकर्स लोग जा रहे हैं तो मैं भी अलाउड रहूँगा, तो मैं घुस गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो दिल्ली का जाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये जैम में भी पूरा रास्ता ऐसे मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब पंजाब कितने दूर के बाद कनेक्ट होगा? 250 किलोमीटर के बाद में पंजाब शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी दिल्ली चलेगा? अभी ये दिल्ली है, अब आगे आपका हरियाणा में। अच्छा अच्छा, हरियाणा बॉर्डर पे खड़े। ओके 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 ओके, ठीक है सर जी, थैंक यू। ये जगह का नाम क्या है भैया? ये जगह का नाम क्या है? सिंगू बॉर्डर। सिंगू बॉर्डर, थैंक यू। हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है ये,
रसोई ढाबा। हाय, कहाँ से? फ्रॉम बैंगलोर। गोइंग टू वेयर? लद्दाख। ग्रेट, या आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता, गोइंग टू सेम लद्दाख। सुजीत, यू आर डूइंग सोलो और ग्रुप? थ्री। ऑलराइट, ओके, देन विल सी देयर। तो ब्रेकफास्ट डन और मैं रुका था हरियाणा के इस खूबसूरत रेस्टोरेंट में, शुद्ध शाकाहारी रसोई ढाबा। रसोई ढाबा में ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट का रेट आया 120 रुपीज़ का। एक वेज सैंडविच खाया, एक रियल का जूस 20 रुपीज़ का और एक बॉटल पानी 20 रुपीज़ का। शुद्ध शाकाहारी होटल है, होटल अच्छा है। अगर आप आ रहे हैं तो जैसे ही आप दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करेंगे वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये होटल मिलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 9:34 और किलोमीटर कवर किया है 75.5 किलोमीटर। सो दिस इज फर्स्ट टोल गेट फॉर द डे। आज कोई टोल नहीं देना होगा, कल मैंने ऑलरेडी दो टोल पे कर दिया है। और ये डाइवर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब हर एक 5-10 किलोमीटर के बाद डाइवर्शन आ रहा है। डाइवर्शन उतना गंदे वाला नहीं है लेकिन डाइवर्शन आने से ही स्पीड पूरा कम हो जाता है। चेकिंग, दीवाना रेलवे स्टेशन। दिल्ली टू चंडीगढ़ जो हाईवे है, जिस हाईवे पे मैं अभी राइड कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, आई डोंट नो व्हाई। कैपिटल से कनेक्टेड है सो इट माइट बी वन ऑफ द रीज़न। गूगल यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, कभी कभी वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है टाइमिंग, जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ। बट ऑन दिस हाईवे आपको इनफ बोर्ड मिल जाएगा जिससे आप पता कर सकते हैं यू आर ऑन द राइट रोड और नॉट। और रोड का क्वालिटी इज ओके, नॉट टू गुड आई वुड से, बट ओके, क्योंकि बम्पी डम्पी रोड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, बीच बीच में अचानक से खड्डे वगैरह आ रहा है। तो करनाल में आप सबका स्वागत है। वन इंफॉर्मेशन बोर्ड केम विच सेज अंबाला कैंट 97 लुधियाना 211 जालंधर 266 किलोमीटर, एंड एज पर गूगल टाइम लगने वाले हैं 4 घंटे 31 मिनट, एंड सो फार आई हैव कवर्ड 140 किलोमीटर फ्रॉम द लोकेशन वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। सो फार सुपर कूल। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार कुरुक्षेत्र में रुकूं, अभी देखता हूँ मैं कितने बजे पहुँचता हूँ कुरुक्षेत्र, क्योंकि थोड़ा प्यास भी लग रहा है और हाइड्रेशन बैग का पानी पूरा बॉइल्ड हो चुका है ड्यू टू हीट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल, मतलब करनाल यहाँ पे ख़त्म। मैप एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सनलाइट एकदम स्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मोबाइल में। कुरुक्षेत्र जाने के लिए दिस वे, बट आई विल टेक यू स्ट्रेट बिकॉज आई एम गोइंग टू जालंधर। तो अभी मैं यहाँ पर रुक करके नींबू पानी पिया था, तो उनसे बात हो रही थी, मैं पूछा कि जो कुरुक्षेत्र है जहाँ पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था, क्या वो दिखने से कुछ पता चलेगा? उन्होंने बोला नहीं, अभी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि इतने दिन हो गया तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतना बड़ा हिस्टोरिकल युद्ध हुआ था। दिल्ली टू अमृतसर हाईवे से अगर आप जा रहे हैं तो आपको
हर एक 10-15 किलोमीटर पे होटल्स वगैरह मिलता रहेगा, तो खाने पीने का कोई भी टेंशन नहीं है। हरियाणा स्वर्ण द्वार आपका स्वागत करता है अंबाला। तो यहाँ से रास्ता डिवाइड होगा, अगर आप लेह मनाली हाईवे लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा वाया चंडीगढ़, और श्रीनगर से जाना चाहते हैं तो जाना पड़ेगा लुधियाना पटियाला। सो यू कैन सी द बोर्ड एज वेल। सो ऑफिशियली आई हैव एंटर्ड इन पंजाब नाउ। अंबाला तक हरियाणा स्टेट आता है, इसके बाद पंजाब। हेलो, शरबत पिला रहे, बहुत ही अच्छा था। ये हमारे पंजाबी का एक मुस्से वाला के, अच्छा उनके नाम पे हम ये शिविर लगा रखी है। ओके ओके, लंगर लगा रखा है। अच्छा अच्छा, तो ये ऑल टाइम चलता है या आज के लिए सर? नहीं, आज आज उनका भोग है। नहीं, बहुत सही है सर, आप लोग जो मतलब कर रहे हो ना, ये मतलब हैट्स ऑफ, इतना गर्मी में लोगों को राहत देना। वैसे हम हर साल करते हैं, हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी हैं, हमारे गुरु हैं जी जी, उनके नाम पे तो हम ये करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी लास्ट टाइम उनका 29 को उनका डेथ हुई थी। पंजाब में एंटर करने के साथ ही इतना स्वागत, जगह जगह पे शरबत दे रहे रूह अफजा के साथ। रियली यार, पंजाब के लोगों का बात ही कुछ और है। ऑसम हॉस्पिटैलिटी, इतने गर्मी में इतने सारे लोग सिर्फ पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, वो भी बिना कुछ पैसे लिए हुए। तो यहाँ पे रुका था लंच के लिए, काफ़ी ट्रेडिशनल जैसा लग रहा है, पूरा पंजाब का फील आ रहा है। थोड़ा ब्लैक पैंथर को भी रेस्ट चाहिए था, हालांकि भूख नहीं लगा था बट रुक गया क्योंकि बहुत देर से चलता आ रहा था। तो अब ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है नहीं, तो आराम आराम से जाएंगे। एंड दिस इज़ द होटल नेम। सो आफ्टर 1.5 hours ब्रेक, बैक ऑन द हाईवे। तो जस्ट आई एंटर्ड इन लुधियाना एंड द टाइम इज 3:31, टोटल किलोमीटर रन 338। तो लुधियाना सिटी में मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फ्लाई ओवर पकड़ करके मैं बाईपास कर गया। एंड सामने एक बहुत बड़ा शिव शंभु का मूर्ति। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ये जगह का नाम क्या है भैया? फिलोर। यहाँ से जालंधर कितनी दूर? 45-50। थैंक्स थैंक्स। योर नेम? तरुण। तरुण वीर, ओके थैंक्स। तो भाई साहब यहाँ पे मिल गए, मेरा ही ब्लॉग गाड़ी में बैठ कर देख रहे थे, तो बोल रहे ये आप ही हो ना यार। थैंक यू थैंक यू। सो दिस इज द चेक पोस्ट फॉर जालंधर पुलिस। सो थोड़ा बाइक का कुछ काम भी कराना है, तो आई विल स्टे इन जालंधर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कल आराम से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। बाइक का अगर काम किया हुआ रहेगा तो, काम कुछ नहीं कराना, जस्ट मेरे को इसका इंजन ऑयल चेंज कराना है, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी रन अराउंड 2500 किलोमीटर। से भी कल से हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो उधर थोड़ा मोबिल वगैरह चेंज करके ले जाना ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस।
और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये सब जो नाम है ना, जैसे इस ट्रिप में स्पेशली जो मैं क्रॉस किया, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, ये सब जगह जैसे बचपन में एक खेल खेलते थे हम लोग, व्यापारी उसका नाम था, लूडो टाइप का काइंड ऑफ थिंग है। आप लोगों ने अगर खेला है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो उसमें ये सारा नाम रहता था एंड आई एम लकी इनफ कि अभी वो सब जगह में आ तो कभी भी सकता था, कोई भी आ सकता है, बट अपना बाइक लेकर के वो सब सिटी का सड़कों पर राइड करना, रियली इट्स काइंड ऑफ ड्रीम लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ। होशियारपुर 53, अमृतसर 98, पठानकोट 129। तो जालंधर सिटी के लिए मैंने यहाँ से हाईवे से कट ले लिया है। सो हियर द बोर्ड सेज वेलकम टू जालंधर, थैंक यू सो मच। सो ऑफिशियली आई हैव एंटर्ड इन जालंधर नाउ एंड माय फर्स्ट टास्क वुड बी टू लुक फॉर अ होटल, क्योंकि होटल आपको पता है मैं बुक नहीं किया हूँ। इस साइड में होटल्स वगैरह मिलेगा क्या रहने के लिए? हाँ जी। और बाइक्स वगैरह का दुकान जो रिपेयरिंग शॉप होता है सीधा? ओके जी जी। कोलकाता? हाँ। बंगाल से? कहाँ से? बंगाल से जलपाईगुड़ी। ओके सुजीत यहाँ पे पोस्टेड हो? ओके ओके ठीक है सर। कहाँ जाना सर अभी? मैं तो लद्दाख का टूर पे निकले। हाँ जी। चैनल है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा कोलकाता राइडर सुजीत। ठीक ठीक है, ठीक है सर, आते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड, तो पहुंच चुके हैं होटल में और होटल का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टोटल किलोमीटर राइड हुआ दैट इज़ 430 किलोमीटर अराउंड। तो डे 4 का जो मेरा स्टे है जालंधर सिटी में है, और कल मॉर्निंग में यहाँ से आई विल ट्राई कि मैं जितना सुबह निकल पाऊँ सो दैट आई कैन कवर मोर डिस्टेंस। तो चलिए ड्रीम राइड। तो ड्रीम राइड का डे 4 मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।